के मौके पर भोपाल के रोशनपुरा चौराहा स्थित सराफा दुकान पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ खरीदारी की और इसी दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। नमस्ते, दिवाली की शुभकामनाएं। सभी बहनों और भाइयों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंपरा के अनुसार आज से दीपावली प्रारंभ हो रही है, दीपावली का महापर्व, और धनतेरस के दिन हम चांदी का सिक्का और बर्तन कई वर्षों से खरीदते हैं। आज भी लोटा और गिलास खरीदा है, चांदी का सिक्का भी लिया है, दीपक जला के आज दीपावली की शुरुआत भी की है। तो वहीं भोपाल में धनतेरस के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सभी को धनतेरस और दिवाली की बधाई दी। तो वहीं उन्होंने अजय सिंह के कांग्रेस कार्यकारिणी पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि कांग्रेस की हर जगह यही हालत है, ये सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, इनका यही हाल रहा और बीजेपी सक्रिय राजनीति करती है। पावन पर्व पर दीपावली के पर्व की शुरुआत हुई है। मैं सबको, प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे पत्रकार मित्रों को सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये धनतेरस का पर्व सबके लिए सुख समृद्धि और वैभव लेकर के आए, और ये धनतेरस का पर्व हर प्रकार से संपन्नता अपने प्रदेश के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। माँ लक्ष्मी का, धनवंतरी महाराज का हमें सब आशीर्वाद मिले, और आज इस पावन पर्व पर कार्यालय में पूजा की और आज सभी लोग भी मिलकर के पूजा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हर साल की तरह इस साल भी धनतेरस के उपलक्ष्य में अपने किराने की दुकान पर बैठे और इसी दौरान किराना सामान खरीदने आए लोगों को उन्होंने सामान तौल कर दिया और पैसे का हिसाब किताब किया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर तंज कसा कि राहुल गांधी का होना वास्तव में आसान नहीं है। मैं राहुल गांधी होना कोई बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, कौन कर सकता है। जलेबी की फैक्ट्री खोलो, कौन कर सकता है, ये तो राहुल जी कर सकते हैं, और राहुल राहुल है, राहुल की बराबरी कोई नहीं। रतलाम में मां महालक्ष्मी का प्रसिद्ध मंदिर सोने चांदी के जेवरात और नोटों के, आपको बता दें, नोटों से सजा हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रतलाम में मां महालक्ष्मी का ये मंदिर आप देख रहे हैं, प्रसिद्ध मंदिर है, सोने चांदी के जेवरात और नोटों के वंदनवार से सजाया गया। और दिल्ली का जिक्र करते हैं, एमपी कांग्रेस में अलग अलग कमेटियां गठित की गई हैं, नई टीम को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सचिव और कमेटियों का ऐलान। वाई कांग्रेस कार्यकारिणी में 84 सचिव की नियुक्ति हुई है, प्रदेश कार्यकारिणी में 36 सचिव बनाए गए हैं। पॉलिटिकल अफेयर समिति का भी ऐलान किया गया है, अनुशासन समिति और डिलिमिटेशन कमेटी का भी ऐलान हुआ है। नई नियुक्ति के जरिए नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये अब कांग्रेस नेतृत्व ने एक डैमेज कंट्रोल की कवायद की है, क्योंकि इससे पहले जो देश की कार्यकारिणी करीब 10 महीने बाद बनाई गई थी, उसमें उस कमेटी को जो बनाई गई थी जीतू पटवारी की, उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की गई थी, और तमाम प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में सब जगह नाराजगी व्यक्त की गई थी। उसी को थोड़ा सा गर्म करने के लिए, डैमेज कंट्रोल जो हो रहा था उसको थोड़ा, नाराजगी को खत्म करने के लिए दूसरी कमेटी बनाई गई, जिसे जैसे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई गई है, डिसिप्लिनरी अफेयर एक्शन कमेटी बनाई गई है, सचिव को सेक्रेटरी डैमेज कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।